नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और एबीपी स्पोर्ट्स लाइव। और फिलहाल हम मौजूद हैं गुजरात जायंट्स की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी रोहित गुलिया के साथ। कैसे हैं, कैसा चल रहा है पीकेएल सीजन 10? बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी तक का हालिया जो 5 मैच हुए हैं बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, और अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल अच्छा जाएगा। रोहित, बहुत लंबे वक्त से आप पीकेएल 10 का हिस्सा हैं, टीम इंडिया के लिए भी आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, रिप्रेजेंट किया है बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। अपनी जर्नी अगर उसके बारे में एक बार हमें बताएं, कैसे रही है, कहां से शुरुआत हुई है, और आज जब आप पीछे मुड़ के रोहित गुलिया, जब 8 साल 7 साल पहले या जब ट्रेनिंग डेज में पीछे मुड़ के उस रोहित गुलिया को देखते थे, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है। तब हार्ड वर्क होता था तो थोड़ा बुरा भी लगता था, परेशान होते थे, तो उस टाइम मन भी करता था कि पीछे हट जाए, लेकिन हाँ, फिर भी स्ट्रॉन्ग बन के और अपने करियर पे ध्यान दिया और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और अपना लगे रहे, मेहनत करने पे लगे रहे और करते रहे। आज ये इस जगह बैठे हैं तो इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा लगता है। रोहित, इस सीज़न की बात करें, मैंने अभी फजल से भी वही सेम बात करी, जिस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं खिलाड़ी मैट पे, कहीं ना कहीं अगर टीम सक्सेस पा रही है, टीम को मैचेस जीतने हैं, तो कहीं ना कहीं जो सारे खिलाड़ी जो प्लेइंग 7 हैं आपकी मैट पे, उनका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। शायद हो सकता है कि डिफेंस का दिन अच्छा ना हो, शायद हो सकता है आपके रेडर्स का दिन अच्छा ना हो सकता है दो रेडर्स हैं मैच खेल रहे तो उसमें एक का दिन अच्छा ना हो, लेकिन जिस तरीके से बाकी टीम मेट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे उनको बैकिंग मिल रही है, वो कितना अहम हो जाता है। जिस तरीके से हमने देखा रोहित को सोनू का सपोर्ट है, सोनू को रोहित का सपोर्ट है, और शायद इसी वजह से टीम भी बेहतर कर रही है। बहुत मतलब हमारा जो बेंच है, बेंच में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सारे, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, किसी प्लेयर का दिन नहीं रहता है, कोई रेडर है या कोई डिफेंडर है, कुछ भी हो सकता है, कभी किसी दिन बॉडी नहीं एक्टिव होती है ज़्यादा तो नहीं खेल पाते हैं, तो उसके लिए बेंच पे इसीलिए 7 खिलाड़ी रहते हैं हमारे कि हम उनको खुद बोल देते हैं कि आज हमारा नहीं हो रहा है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, डिमोटिवेटिंग नहीं करते हम उसको, बल्कि हम उसको समझाते कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच प्ले गुड। और फजल भी ऐसे ही सबको ऐसे मोटिवेट करता रहता है कि नहीं, यू आर गुड, यू आर आल्सो प्ले गुड, एनीथिंग रीजन, नो प्रॉब्लम, यू आर गुड प्लेयर, यू गुड एवरी टाइम, तो इसी चीज़ को लेके चलता रहता है काम। और कोच साहब भी बहुत हमें समझाते हैं, जो मतलब छोटा मोटा गलती रहता है वो हर प्लेयर से होता है, थोड़ा मतलब हर प्लेयर से हर मैच में होगा, अगर एक भी हम गलती नहीं करेंगे तो मैच आगे बढ़ेगा नहीं, और तो ऐसे तो मैच भी लोग देखेंगे नहीं, तो छोटा मोटा गलती रहता है तो उस पर काम भी करते हैं और अच्छा लगता है। और जब कोई दूसरा प्लेयर नहीं खेल पाता है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा हम समझा सकते हैं, उसको थोड़ा लेके अपने साथ लेके चलेंगे तो वो अपने आप ही खेलने लग जाएगा फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही बात कही आपने, जिस तरीके से बैकिंग होती है, जिस तरीके से सपोर्ट होता है, वो कॉन्फिडेंस जब उस खिलाड़ी को दिखाया जाता है तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस निकल के भी आती है। जिस तरीके से इस पीकेएल सीजन 10 में सोनू की परफॉर्मेंस रही है, लगातार सुपर 10 अच्छे मैचेस लगातार जीत रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना? बहुत अच्छा है, यह नया लड़का है और सीज़न 7 में इन्होंने एंट्री की थी और सीज़न 8 ही खेल नहीं पाए, तो नया लड़का दूसरा सीज़न तीसरा सीज़न है तो और भी अच्छा कर सकता है, और ये हमारे लिए भी अच्छा है और अपनी टीम के लिए भी अच्छा है, और ये सोनू के लिए भी अच्छा है कि वो जितना बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसके लिए बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा अच्छा करे, क्योंकि जब हम सीज़न 7 में, हम सीज़न 5 6 7 में तो गुजरात में ही था, सीज़न 7 में जब सोनू आया था तो मतलब कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, तो मैं उस टाइम में कैप्टन भी था, कुछ मैचेस में रहा, कुछ में सुनील था, तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस उस टाइम भी दिया था कि कोई बात नहीं, तो अच्छा कर, कोई बात नहीं, कैच होगा, होने दे, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं तेरे साथ, हम अगर तेरे को कुछ होगा तो हम पीछे सपोर्ट करेंगे तेरे को, मैं तेरे को अंदर लेके आऊँगा दोबारा, फिर तू ट्राई करना, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नए यंगस्ट प्लेयर्स हैं जितने भी हैं हमारे, और भी आए हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रो कबड्डी एक कैमरे के सामने खेलने का तजर्बा अलग ही होता है, और जैसे हम
वैसे खेलते हैं गांव की लोकल टूर्नामेंट, वो अलग वो नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन प्रो कबड्डी में इन लाइट से लाइटों में इतनी लाइट है, इतनी फैन लोग आते हैं और सब कुछ होता है, तो इसमें थोड़ा घबरा जाते हैं प्लेयर, तो उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो सोनू का वही था, और अब के सीज़न तो बहुत अच्छा कर रहा है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सोनू अच्छा कर रहा है और बेहतर करेगा। बिल्कुल, जैसे रोहित आपने बात करी कि गो कबड्डी में खेलने का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लाइटिंग्स होती हैं, क्राउड होता है, फैन सपोर्ट होता है, आपके पास वो लंबे वक्त से खेलते आ रहे हैं, वो अनुभव भी मौजूद है। और इसी पे मैं आ रहा था कि जैसे आपने यहाँ जिक्र किया ना कि जब आप गांव में खेलते हैं, जब आप शुरू करते हैं कबड्डी गेम, जब हम सुनते हैं तो बड़ा मिट्टी से जुड़ा गेम हमें समझ में आता है, खेल समझ में आता है, हाँ मिट्टी का खेल है, गांव से शुरू होता है, हम बहुत नॉर्मल बेसिक लेवल पे खेल सकते हैं, कहीं भी हम शुरू कर देते हैं गाँव में। अब जब कबड्डी प्रोफेशनली आप इतने सालों से खेल रहे हैं, क्या कुछ बदला है? और इसी से एक इसी पर फॉलो अप क्वेश्चन कि पीकेएल के आने से यूथ में कबड्डी का क्रेज हमारी कंट्री में, देखो बदला तो बहुत कुछ है। कबड्डी को मतलब गांव का खेल मानते थे, लेकिन वो बात नहीं थी, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा कबड्डी की तरफ बच्चों को भेजते थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ही जो मतलब अच्छा स्टडी नहीं कर पाते थे या कोई अच्छी जॉब नहीं थी, तो इसलिए कबड्डी की तरफ खेलते थे, लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था कबड्डी का, तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही ज़्यादातर कबड्डी में खेलते थे। तो उससे क्या था कि कबड्डी अभी उसके बाद लीग स्टार्ट हुई तो प्रोफेशनल गेम हो गया है। अभी प्रोफेशनल गेम होने के बाद तो मतलब शहरों में जो कबड्डी जानते भी नहीं थे, तो बहुत सारे ऐसे भी थे, जो बहुत सारे शहर भी ऐसे, गांव में तकरीबन मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि कबड्डी खेलते थे, लेकिन शहरों में पता भी था, तो वहाँ स्कूल में सब ने स्टार्ट करवा दिया है। मतलब जिस नज़रिए से हम कबड्डी को पहले दस अगर हम पाँच सात साल पहले जाएं तो उससे मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने ऊपर लेके आ गए हैं कबड्डी को, और मैं चाहूँगा और ऊपर जाए कबड्डी और अपने देश का और अपने अपने कबड्डी का नाम और ऊंचा करे, और ओलंपिक में जब कबड्डी जाएगी इससे बड़ा गौरव की कोई बात होगी नहीं अपने इंडिया के लिए। बिल्कुल रोहित, आपने गांव का जिक्र किया, आपने कबड्डी का जिक्र किया, पूरा पीछे मुड़ के जब आप जाते हैं देखते हैं, जब आपने भी वहीं से शुरू किया ऑब्वियसली, और आज आपकी मेहनत रंग लाई, आप यहाँ पे मौजूद हैं इतने मैचेस के बाद, इतना अनुभव लेने के बाद, जो टीम में यूथ है, जो टीम में युवा खिलाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी टीम काफ़ी यंग प्लेयर्स के साथ उतर रही है इस भरी सीज़न में, उनको ग्रूम करना कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी, और एज अ वाइस कैप्टन ऑब्वियसली और अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने कंधों पर उठानी पड़ती है। और जब टीम में फजल और रोहित की जोड़ी, कैप्टन वाइस कैप्टन की जोड़ी जब वहाँ पे मौजूद है, यंग प्लेयर्स को बहुत कुछ सिखाना होता होगा, बहुत कुछ उनको सपोर्ट करना पड़ता होगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं महसूस होती होगी। देखो सिखाना तो पड़ता है, लेकिन मतलब बहुत कुछ सिखाने में थोड़े में भी काम चल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ये चीज़ है इनको कॉन्फिडेंस देना। कॉन्फिडेंस ही इतनी मजबूत चीज़ है कि अगर हम इनको ये अच्छे से कॉन्फिडेंस में आ गए ना, तो यंगस्ट को और कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कबड्डी तो खुद जानता ही है, जो छोटा मोटा गलती रहता है वो हम बता ही देते हैं इनको, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना डाउन रहता है, तो वो अप करने के लिए उनको बहुत थोड़ा समझाना पड़ता है, उनके साथ मतलब कैच भी हो जाता है या किसी से पॉइंट भी चला जाता है, तो उसको अगर हम डांटेंगे तो वो बिल्कुल जीरो से भी माइनस में जाएगा। अगर उससे गलती हो रही है, चल हाँ उसकी वजह से चाहे हम एक मैच लूज भी कर दें, लेकिन उसको हम अगर अच्छे से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तो वो मैच एक मैच हमें चार मैच भी दे सकता है, क्योंकि वो प्लेयर में कबल वो प्लेयर कुछ जैसे सोनू ही है और दो तीन लड़के और आए हैं, तो इनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जितना अच्छा बैटर कर सकें, अगर कोई बात नहीं एक मैच हम लूज भी कर गए, वो चार मैच हमें जिता के भी देंगे। तो अगर हम नहीं वो कर पा रहे हैं, अगर इनका कॉन्फिडेंस नहीं आप कर पा रहे हैं, तो थोड़ा मोटा हम ये सोचते हैं कि हमारे में ही थोड़ा बहुत कमी रह गया कि हम इनको सिखा नहीं पा रहे हैं कहीं, तो और सोनू तो अभी परफेक्ट हो गया है, तो और जो खिलाड़ी आए हैं नए उनको मौका दे रहे हैं बीच बीच में, जब भी टीम अच्छे स्थिति में रहती है तो हम सोचते हैं कि उनको भी मौका दिया जाए,
क्योंकि तो आराम आराम से अगर एकदम से किसी को प्रेशर में डालोगे तो वो नहीं झेल पाएंगे, अगर आराम आराम से उनको स्थिति में लाओगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे फिर। तो उसमें थोड़ा काम तो करना पड़ता है, टीम को संभालना पड़ता है, कब क्या करना है, कब किस स्थिति में क्या किसको भेजना है और कब किस स्थिति में किसको चेंज करना है, तो वो चीज़ तो हमें जिम्मेवारी लेके खेलना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, और टूर्नामेंट के लिए आगे के जो मैचेस आपके बाकी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बेहतर खेलें, आपकी टीम अच्छी करें। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।